दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में चुनाव के बाद भी राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेजी से घट रही हैं, लेकिन एक मामला ऐसा है जो एकदम नजरों से ओझल हो गया है, उस पर अब चर्चा कोई नहीं कर रहा। जानते हैं वो क्या है? दोस्तों, आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनावों से पहले बड़ी चर्चा थी कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होंगे और ये लाखों कांग्रेस जनों के दिल की भी आवाज थी कि अब समय आ गया है दोनों भाइयों को, दोनों गांधी परिवार के लालों को एक हो जाना चाहिए। ये समय की मांग है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपनी गहरी पैठ बनाने के लिए भी ये अच्छा अवसर है, दोनों का फायदा होगा। वरुण गांधी यदि कांग्रेस में शामिल हो जाते या कर लिए जाते तो जानकार कहते हैं कि इससे इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलती और कांग्रेस को भी ज्यादा सीटें आ सकती थी। अब मुद्दा यह है कि आखिर वरुण गांधी का कांग्रेस में प्रवेश क्यों नहीं हुआ, कैसे रुका? आपने ये भी जाना था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा था कि यदि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, हमें प्रसन्नता होगी। इससे बड़ी बात या बड़ा निमंत्रण या बड़ा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया और कहा कि हमें इससे खुशी होगी। लेकिन उस दौरान वरुण गांधी ने एक बार भी ये इशारा नहीं किया, या ये कह सकते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने जिस तरीके से सार्वजनिक रूप से निमंत्रण दिया तो उसी तरीके से वरुण गांधी को भी सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निमंत्रण का जवाब देना चाहिए था। वरुण गांधी जानते थे कि भाजपा से उनको टिकट नहीं मिलने वाला है और भाजपा वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों से अब मुक्ति चाहती है। उसके कारण क्या है ये मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि राजनीति में कई दाव पेच होते हैं, मेनका गांधी जी को टिकट दिया गया लेकिन मेनका गांधी और वरुण गांधी के करीबियों का दावा है कि मेनका गांधी को जिताने के लिए भाजपा नेतृत्व ने कोई प्रयास नहीं किए, बल्कि मेनका गांधी को हराकर वो निपटाना चाहते थे। वरुण गांधी भी इन चुनावों में निष्क्रिय रहे,
शायद वो एक आध बार अपनी माँ के प्रचार के लिए गए थे, लेकिन उससे बात बनी नहीं और मेनका गांधी भी चुनाव हार गई। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वरुण गांधी की अभी उम्र बहुत छोटी है, उनके लिए राजनीतिक जीवन अभी लंबा बचा हुआ है, तो उन्होंने अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं लिया और वो चुनाव क्यों नहीं लड़े? माना जा रहा था कि अखिलेश उन्हें अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा सकते हैं, यानी चर्चाएं ये थी कि इंडिया गठबंधन उनको चुनाव में खड़ा करेगा, किसी भी सीट से जीतेगा लेकर आएगा, और चाहे वो अखिलेश के साइकिल के चुनाव चिन्ह पर लड़े या कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़े, उनको जरूर लाया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि चूक कहाँ रही? वरुण गांधी राहुल गांधी की मुलाकात जिस तरीके से मंदिर में हुई थी, वरुण गांधी की बिटिया को गोद में लेकर जिस तरीके से उन्होंने लाड़ प्यार किया था, दुलारा था, उन्हें गिफ्ट भी दिया था, तो ऐसा माहौल बन रहा था कि सचमुच में वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री होने वाली है। मैं जैसे बता रहा हूं उसके वाजिब कारण भी थे। वरुण गांधी का राहुल गांधी से मिलना, मंदिर में मिलना, वो कोई अचानक नहीं था, प्रीप्लान था। उनकी मीटिंग जो थी मंदिर में प्रीप्लान थी। फिर खड़गे जी का वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करने के लिए निमंत्रण देना, वो भी प्लानिंग के तहत था। और चर्चाएं ये भी थी कि प्रियंका गांधी अपने भाई को वरुण गांधी को बहुत प्यार करती हैं और वक्तन पवक्तन वो आपस में मिलते रहते हैं, टेलीफोनिक भी उनकी बातचीत होती रहती है, यानी सारा माहौल था। तो जो कांग्रेस में कांग्रेस के लाखों हजारों समर्थक हमेशा ये चाहते रहे कि वरुण गांधी को कांग्रेस में आ जाना चाहिए और दोनों भाइयों को मिलकर कांग्रेस को मजबूती प्रदान करनी चाहिए और कांग्रेस का पुराना गौरव लौटाने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो ना सका। इस पर चर्चा होती रहेगी, लेकिन मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रहा है, राजनीतिक गढ़ रहा है, और चाहे वो पंडित नेहरू रहे हों, कई बार उन्होंने उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री बने, उनके बाद इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ी और हर बार जीती, एक बार को छोड़कर, और देश की प्रधानमंत्री बनी। राजीव गांधी भी उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ते रहे और देश के प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी के छोटे भाई, छोटे बेटे संजय गांधी भी उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ते थे और जीते थे, एक बार को छोड़कर। ये ही नहीं, संजय गांधी राजीव गांधी के पिता भी, वो भी उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़कर लोकसभा में पहुंचते रहे थे। तो सवाल ये है कि जब नेहरू गांधी खानदान का गढ़ रहा है उत्तर प्रदेश, और वर्तमान में पिछले दशकों में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत कमजोर रही है, वो बात अलग है कि इस बार के चुनावों में कुछ माहौल ऐसा बना
सपा और कांग्रेस मिलकर लड़े और कांग्रेस के 6 उम्मीदवार जीत गए। पूरे देश में वैसे भी कांग्रेस के लगभग पिछली बार से लगभग 2 सांसद जीते, 100-100 सांसद कांग्रेस के जीत गए, जबकि पिछली बार शायद 52 थे। तो कांग्रेस का उभार शुरू हो गया है। तो लोग अब भी ये चाहते हैं कि नेहरू खानदान एक हो, दोनों भाई एक हों और अपने उस उत्तर प्रदेश को दोबारा कांग्रेस का गढ़ बनाएं, जो उनका गढ़ कालांतर में रहा। जब से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के हाथों से खिसका तो केंद्र की राजनीति, केंद्र की सत्ता भी कांग्रेस और गांधी परिवार के हाथों से खिसक गई। तो इसीलिए आज भी कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता, जब भी हमने इस विषय पर कोई स्टोरी की, कोई वीडियो डाला, उस पर लाखों लोगों ने हमारी इस बात का समर्थन किया कि वरुण गांधी या राहुल गांधी को एक हो जाना चाहिए। तो अब क्या करें, यह तय हो चुका है कि मोदी जी के काल में वरुण गांधी का कोई स्थान अब भाजपा में बचा नहीं है। मेनका गांधी जी चुनाव सुल्तानपुर से हार चुकी हैं, उनकी उम्र भी हो चुकी है। तो कुछ माँ बेटे के लिए भाजपा में लगभग कुछ बचा नहीं है। इसलिए दोनों भाइयों को एक मंच पर लाने के लिए जो शक्तियां पहले से काम कर रही थी, चाहे वो खड़गे जी हों, चाहे प्रियंका गांधी हों या कांग्रेस के वर्कर हों, उनको फिर नए सिरे से अपने प्रयास तेज कर देने चाहिए। वरुण गांधी को भी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की निमंत्रण को स्वीकार कर लेना चाहिए। लोगों का मानना है, कांग्रेस जनों का मानना है, वरुण गांधी के करीबी समर्थकों का मानना है कि इससे बेहतर और कोई रास्ता वरुण गांधी के लिए बचा नहीं है। जितना जल्दी हो सके उनको खड़गे जी से बात करके कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि यदि अब भी वरुण गांधी कांग्रेस में आ जाते हैं तो 2027 में जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं तो उससे कांग्रेस को बहुत मजबूती मिल सकती है और कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चुनावों में नए सिरे से एक ताकत बनकर उभर सकती है। राहुल गांधी, वरुण गांधी, प्रियंका गांधी नए सिरे से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती से खड़े करके कांग्रेस को सत्ता में लौटाने का काम कर सकते हैं। जब तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं होगी तो कांग्रेस का सत्ता में अपने दम पर लौटना लगभग नामुमकिन लगता है। तो दोस्तों, ये था मेरा मुद्दा कि वरुण गांधी की वो कहानी जो फ्लैशबैक में चली गई थी चुनाव समाप्त होने के बाद, उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। तो हमने आज इस मुद्दे को नए सिरे से उठाया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें बताएं, अपनी राय से हमें अवगत कराएं।
उससे हमें खुशी होगी और ये भी पता चलेगा कि हमने जो ये स्टोरी की है, वीडियो बनाया है, कि आपकी लाइक से हम लाइक करने से और हमें मैसेज भेजने से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो कृपया हमें सहयोग करें, देखते रहें देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।